खजनी पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर साहब ग्राम बेलडाड गुलाऊर AKS मार्का भट्टा पर अपमिश्रित अवैध देशी कच्ची शराब बनाते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान जितेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पुत्र अंबिका सिंह निवासी बेलडाड थाना खजनी जनपद गोरखपुर, दूसरा सोवेंद्र यादव पुत्र कपिल यादव निवासी बेलडाड थाना खजनी जनपद गोरखपुर, तीसरा राजेश भगत पुत्र किरण भगत निवासी ग्राम तान थाना कुड्डू जिला लोहरदग्गा झारखंड के रूप में हुई है, जिनके पास से 4 जरीकेन 20-20 लीटर की तथा 1 जरीकेन 10 लीटर की भरी हुई, 1 अदद ड्रम जिसमें प्लास्टिक की नली लगी हुई, 2 अदद एल्युमिनियम के डेग, 1 अदद घरेलू सिलेंडर व 1 अदद कमर्शियल सिलेंडर व 1 अदद गैस चूल्हा पाइप व नर सहित तथा पास में 3 प्लास्टिक की पन्नी में यूरिया नौसादर फिटकरी यूरिया 4 किलो नौसादर 2 किलो तथा फिटकरी 2 किलो बरामद हुआ है। एसपी साउथ ने बताया कि 3 अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में खजनी उपनिरीक्षक अरविंद कुमार, दिनेश कुमार पांडे, कांस्टेबल शक्ति सिंह, रामबाबू यादव, अनुराग यादव सहित पवन कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, खजनी में जो कच्ची शराब बनाते हैं भट्टियों पे, इस तरह का एक गैंग पकड़ा गया है जिसमें 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और गैस सिलेंडर चूल्हा और उपकरण जो इनके लगते हैं अवैध शराब बनाने में तथा अपमिश्रण के लिए जो यूरिया नौसादर आज होती है, ये सब की बरामदगी हुई है। 90 लीटर तैयार की गई कच्ची शराब बरामद हुई है। इनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता दोनों के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही साथ इस रैकेट द्वारा आगे कोई सप्लाई की गई हो या इनसे जुड़े और लोग जो उनके बारे में भी स्थानीय पुलिस छानबीन कर रही है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।